बिहार न्यूज में आपका स्वागत है दोस्तों, मैं हूं फैजान मुराद, आप देख रहे हैं केटीवी लाइव। दोस्तों आज हो चुका है 13 जनवरी, आपके लिए लेके आए हैं बिहार के कई सारे टॉप न्यूज। दोस्तों क्या बिहार के मुख्यमंत्री एक बार फिर से पलटी मार सकते हैं? जी हां दोस्तों, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार फिर से एक बार एनडीए में जाएंगे। वहीं पे आपको बता दें, जो है सियासी गलियारों में बयानबाजी पूरी तरह से जारी है। पहले जितेंद्र राम मांझी और अब पूर्व सांसद अरुण कुमार जो फॉर्मर एमपी हैं, उन्होंने भी बहुत बड़ा बयान दे दिया है। दोस्तों आपको बताते चलें कि वहीं पे कहा कि नीतीश कुमार जो है एक बार फिर से पलटी मार सकते हैं, इसमें कोई चौंकाने वाली बात नहीं है। वहीं पे नीतीश कुमार पलटी मार के नाम से जाने भी जाते हैं। आपको बता दें कि तेजस्वी यादव ने उनका नाम ही पलटू राम रख दिया है, इसमें कोई नई बात तो नहीं है। वहीं पे पूर्व सांसद और लोजपा के नेता अरुण कुमार ने कहा है कि नरेंद्र मोदी बहुत ही दयावान व्यक्ति है, नीतीश कुमार अगर नरेंद्र मोदी के पैर पकड़ लेंगे तो उसे कहेंगे कि आप आ जाइए। बता दें कि अरुण कुमार से पहले पूर्व मुख्यमंत्री जितेंद्र राम मांझी का भी बयान आया था कि खरमास के बाद जो है नीतीश कुमार का बड़ा फैसला ले सकते हैं। जी हां दोस्तों, पलटी मार सकते हैं। अब पूर्व सांसद अरुण कुमार ने इसी तरह का भी बयान दे दिया है। हालांकि अरुण कुमार ने अंतिम फैसला बीजेपी पर छोड़ दिया है, कहा है कि भारतीय जनता पार्टी को नीतीश कुमार को एनडीए में शामिल करना है, मुझे तो करना ही नहीं है, हम एक मिशन और विजन के साथ चल रहे हैं। जी हां दोस्तों, बिहार को विकसित बनाने में जो विकल्प जो है चिराग पासवान में है, अरुण कुमार ने आगे ये भी कहा है कि मैंने नीतीश कुमार के साथ 16 वर्षों तक काम किया है, नीतीश कुमार को मैं अच्छे तरीके से जानता हूं। दोस्तों बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव जो है लाख दावे कर ले, गांव-गांव तक चाहे जो भी कह ले, लेकिन शिक्षकों की बहाली को लेकर के अपनी पीठ खुद ही चाहे जितनी थपथपा ले। आपको बता दें कि राजद कोटे के मंत्री विधायक तेजस्वी यादव को नौकरी बांटने वाले नेता बताते फिरे, इसमें फर्क पड़ते नहीं दिख रहा है। वहीं पे नीतीश कुमार अपने सहयोगी राजद को रत्ती भर भी उपलब्धि देना नहीं चाहते हैं। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कई ऐसे अवसर आए जब मुख्यमंत्री ने साफ कह दिया कि शिक्षकों की नौकरी देने का जो काम है राजद नहीं बल्कि राजद सरकार कर रही है। आपको बता दें कि सरकार के मुखिया जो है वो मुख्यमंत्री होते हैं। आज एक बार फिर ऐसे सीएम नीतीश कुमार ने ये बता दिया है कि शिक्षकों की जो बहाली का काम किसी दूसरे ने नहीं बल्कि हमने किया है। वहीं पे बिहार के अखबारों में आज फ्रंट पेज पर पूरे पन्ने का जो है विज्ञापन है, विज्ञापन शिक्षकों को लेकर के है। विज्ञापन में नीतीश कुमार को शिक्षा सुधार और न्याय करार दिया गया है। आपको वहीं पे बता दें कि विज्ञापन के माध्यम से बताने की कोशिश की गई है कि शिक्षा के जो क्षेत्र में है बिहार बढ़ रहा है। आपको बता दें कि सरकार प्राथमिक से जो है लेकर माध्यमिक और उच्च शिक्षा को, शिक्षा की बेहतरी को लेकर के लगातार काम कर रही है। दोस्तों इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। दोस्तों लोकसभा चुनाव 2024 जैसे ही करीब आ रहा है, राजनीतिक दलों के बीच आपसी जो जुबानी प्रहार करने का और आरोप लगाने का जो सिलसिला है तेज होता जा रहा है। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि बीजेपी के इंडिया गठबंधन के दलों पर बयानों की तीर चल रही है, तो आरजेडी और जेडीयू कांग्रेस के नेता बीजेपी पर निशाना साध रहे हैं। वहीं पे आपको बता दें कि इस बीच नीतीश सरकार के जो समाज कल्याण मंत्री मदन सहनी ने भाजपा पर बड़ा हमला बोला है। जी हां दोस्तों, आपको बता दें उन्होंने पूछा है कि भारतीय जनता पार्टी हमारे पार्टी जेडीयू का इंतजार क्यों कर रही है, आखिर मामला क्या है। जी हां दोस्तों, पटना में जेडीयू कार्यालय में मदन सहनी मीडिया को संबोधित करते हुए कह रहे थे कि उन्होंने कहा है कि इंडिया गठबंधन एकजुट है, सभी पार्टियां साथ मिलकर काम कर रही है ताकि बीजेपी को हरा जा सके, इस वजह से भाजपा भारी परेशानी में है, इसीलिए उन्होंने जो है नेता इंडिया गठबंधन के बारे में अनाप शनाप बयान दे रहे हैं। आपको बता दें उन्होंने कहा है कि अगर भाजपा के पास ताकत है तो जेडीयू का इंतजार ही क्यों कर रही है। दोस्तों इस बारे में क्या कहना चाहेंगे, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। दोस्तों देश के राजनीतिक दल धीरे धीरे चुनावी मोड़ पे आ रहे हैं। जी हां दोस्तों, लोकसभा चुनाव में अब महज कुछ ही महीनों का समय शेष रह गया है। आपको बता दें ऐसे में इस चुनाव को लेकर के देश के तमाम छोटी बड़ी राजनीतिक पार्टियां जो है अपनी चुनावी राजनीति बनाने में जुट गई है। इसी कड़ी में बिहार के सत्तारूढ़ दल के नेता और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का भी देश स्तर पर कार्यक्रम जो है पूरा तरह से चल रहा है। आपको बता दें कि वो अपने राष्ट्रव्यापी दौरे की शुरुआत नीतीश कुमार
झारखंड से करने वाली हैं। आपको बता दें कि सीएम नीतीश कुमार जो है 21 जनवरी को झारखंड दौरे पर आने वाले थे, लेकिन बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का जो झारखंड दौरा था वो टल गया। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि अब यहाँ पे इन दिनों एक नया ही अभियान शुरू किया जाएगा। लोकसभा चुनाव को लेकर के जेडीयू बिहार से अपने अपने चुनावी अभियान की शुरुआत जो है करने जा रही है। इसको लेकर के सीएम नीतीश कुमार और यूपी, पश्चिम बंगाल और जो है झारखंड के रैलियों में करने वाले हैं। लोकसभा चुनाव को लेकर के जेडीयू बिहार से अपने बिहार चुनावी अभियान शुरुआत करने जा रही है। जी हाँ दोस्तों, इसको लेकर के सीएम नीतीश कुमार और यूपी, पश्चिम बंगाल और झारखंड में रैली करने वाले हैं। यूपी के वाराणसी में सीएम नीतीश कुमार की रैली रद्द होने के बाद अब उनका झारखंड दौरा टल गया है। दोस्तों, इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। दोस्तों, उधर अयोध्या में राम मंदिर का शिलान्यास किया जाएगा, लेकिन इधर बिहार को भी एक बहुत बड़ा सौगात दे दिया गया है। जी हाँ दोस्तों, वहीं पे आपको बता दें कि श्री राम की जन्म स्थली अयोध्या में निर्माणाधीन वो भव्य अलौकिक राम मंदिर में रामलला की जो है प्राण प्रतिष्ठा 22 जनवरी को होना है, और वहीं इससे एक दिन पहले 21 जनवरी को बिहार के सीएम नीतीश कुमार समस्तीपुर जिले के सरायरंज प्रखंड के जो है नरघोड़ी में एक श्री राम जानकी के नाम से बने मेडिकल कॉलेज अस्पताल का जो है उद्घाटन करेंगे। समस्तीपुर जिले के सरायरंज प्रखंड के जो है नरघोड़ी में श्री राम जानकी के नाम से बने मेडिकल कॉलेज अस्पताल का जो है उद्घाटन करेंगे। जी हां दोस्तों, इस दौरान सीएम के साथ राज्य के डिप्टी सीएम और सही स्वास्थ्य मंत्री तेजस्वी यादव सह कई मंत्री भी मौजूद रहेंगे। आपको बता दें, यह जानकारी वित्त मंत्री विजय कुमार चौधरी ने दी है। दोस्तों, इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। दोस्तों, बीजेपी के नेता गिरिराज सिंह लालू प्रसाद यादव पे एक बहुत बड़ा आरोप लगाया है। जी हाँ दोस्तों, गिरिराज सिंह ने कहा है कि लालू प्रसाद जो है अपने मंत्रियों के जरिए देश के प्रधानमंत्री को जो है गाली दिलवाने का काम करते हैं। जी हाँ दोस्तों, आपको वहीं पे बता दें कि पटना के केंद्रीय मंत्री और बीजेपी के फायर ब्रांड नेता गिरिराज सिंह ने बहुत ही बड़ा बयान दे दिया है। उन्होंने कहा है कि लालू प्रसाद यादव जो है अपने मंत्री के माध्यम से प्रधानमंत्री को गाली दिलवाने का काम कर रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, वहीं पे आपको बता दें कि लालू प्रसाद यादव से जनता इसका पूरा हिसाब आने वाले चुनाव में लेगी। जी हाँ दोस्तों, वहीं पे गिरिराज सिंह ने कहा है कि लालू प्रसाद यादव से जनता इसका पूरा हिसाब आने वाले चुनाव में लेगी। जी हाँ दोस्तों, नरेंद्र मोदी गरीबों के मसीहा है। वहीं पे गिरिराज सिंह ने कहा है कि नरेंद्र मोदी जो है गरीबों के मसीहा है, इसीलिए उन्हें लालू प्रसाद यादव जो है गाली दिलवाने के काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा है कि राम सनातन की प्रतीक है, और जो उनके खिलाफ बोलेगा हिंदू समाज, आने वाले समय में हिंदू समाज उसको जरूर जवाब देगी। दोस्तों, आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। दोस्तों, आगामी लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर सियासी दलों की जो है तैयारी पूरी हो गई है। वहीं पे आपको बता दें कि विपक्षी दलों का गठबंधन इंडिया इस बार भाजपा के खिलाफ एकजुट होकर चुनाव लड़ने की तैयारी में है। आपको बता दें कि बिहार में लोकसभा की लगभग 40 सीटों पर घमासान होना है। वहीं पे कांग्रेस और राजद के अलावा वाम दल उनके साथ होगी। आपको बता दें, वहीं कांग्रेस सांसद राहुल गांधी इस बार फिर से भारत जोड़ो यात्रा पर निकल रहे हैं। उन्होंने इस बार यात्रा का नाम भारत जोड़ो न्याय यात्रा रखा है। आपको बता दें, बिहार में ये यात्रा दो फेज में होगी। पहले फेज की यात्रा के तहत राहुल गांधी इसी महीने जनवरी में ही सीमांचल में प्रवेश करेंगे। वहीं पूर्णिया में कांग्रेस की जो है बड़ी रैली होगी। दोस्तों, इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। दोस्तों, क्या के पाठक ने इस्तीफा दे दिया है या नहीं? जी हाँ दोस्तों, शाम ढलते ही सामने पूरी सच्चाई आ गई है। आप भी अपना पूरी भ्रम जो है दूर कर ले। जी हाँ दोस्तों, आपको वहीं पे बता दें कि भारतीय प्रशासनिक सेवा के वरिष्ठ अधिकारी के पाठक ने शिक्षा विभाग के ऊपर जो है मुख्य सचिव पद से इस्तीफा नहीं दिए हैं। आपको वहीं पे बता दें, उनके इस्तीफा की जो है अफवाह उड़ाई गई है। आपको बता दें कि जबकि वो सामान्य प्रक्रिया के तहत जो है उपर्जित जो है अवकाश पर 16 जनवरी पर है। आपको बता दें कि इस अवकाश पर जो है जाने वाले जो अधिकार को है सामान्य प्रशासन विभाग को सूचना देनी होती है, ताकि उनके छुट्टी में रहने पर जो है दूसरे अधिकारी को संपूर्ण प्रभार दिया जा सके। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि इस तरह का जो है वो एक जो है कानूनी प्रक्रिया है। इसको लेकर के जो लोग हैं ये कहने लगे कि जो है के पाठक इस्तीफा दे दिए हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, वो अपने छुट्टी पे गए हैं। दोस्तों, इस बारे में क्या कहना चाहेंगे अपने कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे। दोस्तों, शराबी टीचर के हाथ में लगी हथकड़ी तो छात्रों ने पूछा सवाल।
जी हाँ दोस्तों, वहीं पे छात्रों ने कहा, सर अब कैसा लग रहा है? आपको बता दें, बिहार में साल 2016 में शराबबंदी है, इसके बावजूद बिहार में शराब की जो है बाहर देखने को मिल रही है। वहीं पे दोस्तों आपको बता दें, पुलिस ने कई ऐसे लोगों पर कार्रवाई की, लेकिन अवैध तरीके से शराब बिहार में पहुंच ही जाता है। जी हाँ दोस्तों, और लोगों के हाथ ही शिक्षक भी शराब के नशे में टल्ली मिले हैं। जी हाँ दोस्तों, वहीं पे पुलिस ने कई लोगों पर कार्रवाई की, लेकिन अवैध तरीके से शराब बिहार पहुंच ही जाती है। जी हाँ दोस्तों, अब लोगों के साथ शिक्षक भी जो हैं शराब के साथ टल्ली मिलते हैं। आपको बता दें, ये वीडियो सोशल मीडिया में बहुत तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें शराब के सेवन करने के आरोप में दो शिक्षकों को गिरफ्तार किया गया है। इस दौरान जो है छात्र तरह तरह के सवाल पूछने लगे हैं। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो में देखा जा सकता है कि शिक्षकों को पुलिस जो है गिरफ्तार करने पहुंची है, तो पुलिस ने शिक्षकों के हाथ में जो है हथकड़ी पहनाई है, तो तमाम छात्रा और छात्र जो है वहां एकत्रित हो गए हैं और छात्रों ने सवाल पूछा कि सर आपको हथकड़ी लग रही है तो कैसा लग रहा है, अब बताइए हमें। जी हाँ दोस्तों, वहीं पर शिक्षक ने जवाब दिया है कि मेरे ऊपर जो है आरोप लगाया गया है, लेकिन दोस्तों टल्ली वक्त में पाया गया शिक्षक के ऊपर और उसको जो है अरेस्ट कर दिया गया। जी हाँ दोस्तों, वहीं पे टल्ली हालत में शिक्षक को जो है पाया गया और वो शिक्षक ने कहा कि मेरे ऊपर आरोप लगाया जा रहा है। दोस्तों इस बारे में क्या कहना चाहेंगे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। दोस्तों लोकसभा इलेक्शन 2024 में जो है हर पार्टी अपने अपने स्तर पर काम करना जो है शुरू कर दिया है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें महागठबंधन में 6 दलों के बीच जो डील फाइनल हो चुकी है। आपको बता दें आरजेडी के बड़े नेता ने किया दावा कि इस आधार पर हुआ सीट बंटवारा, इस आधार पर हुआ है सीट शेयरिंग। वहीं पे आपको बता दें लोकसभा सीट बंटवारे को लेकर के, सीट शेयरिंग को लेकर के बिहार में जारी जो है वाक युद्ध के बीच राष्ट्रीय जनता दल जो जेडीयू विधायक भाई वीरेंद्र ने बहुत ही बड़ा दावा कर दिया है। जी हाँ दोस्तों, उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है कि बिहार में सत्तारूढ़ महागठबंधन जो है इंडिया के 6 दलों में सीट का बंटवारा हो चुका है। यहां दोस्तों उन्होंने कहा है कि उम्मीद है कि इसकी जो घोषणा जल्द की जाएगी। दोस्तों इस बारे में आप क्या सोचते हैं, क्या कहना चाहेंगे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। दोस्तों बीजेपी के फायर ब्रांड नेता गिरिराज सिंह ने कांग्रेस पे बहुत बड़ा निशाना साधा है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि पटना केंद्रीय मंत्री और बीजेपी के फायर ब्रांड नेता गिरिराज सिंह ने शुक्रवार 12 जनवरी को कांग्रेस जो है आला कमान पर बहुत बड़ा हमला किया है। राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा की न्योता को ठुकराने के मामले पर वो एबीपीपी न्यूज से बात कर रहे थे। वहीं गिरिराज सिंह ने कहा है कि जब से नेहरू प्रधानमंत्री बने तब से कांग्रेस हिंदू विरोधी है। जी हाँ दोस्तों, सोमनाथ मंदिर का जब जीर्णोद्धार का काम चल रहा था तब नेहरू ने मुख्यमंत्री को हरकाया था, वहीं पे आपको बता दें राष्ट्रपति को वहां जाने से रोका था। दोस्तों गिरिराज सिंह ने कहा है कि इंदिरा गांधी और राजीव गांधी भी हिंदू विरोधी थे, वही काम सोनिया गांधी कर रही है। जी हां दोस्तों, कांग्रेस का एनडीए हिंदू विरोधी है। कांग्रेस के नेता वकील चाहते थे कि राम मंदिर बने ही ना। जी हां, वहीं पे गिरिराज सिंह ने कहा है कि 500 वर्ष से जो राम मंदिर के लिए संघर्ष किया जा रहा है, हमारे पूर्वजों ने जो है अपनी जान दी। जी हां दोस्तों, इस तरह के जो है कई सारे ऐसे आरोप लगाए हैं कांग्रेस के ऊपर और उन्होंने कहा है कि इस तरह का जो है कांग्रेस काम कर रही है। वहीं पे कांग्रेस ने कहा है कि ये जो राम मंदिर का जो उद्घाटन है, ये ऐसा लगता है कि राम मंदिर का उद्घाटन नहीं, कोई बीजेपी का जो है इवेंट है, या फिर ये कहें कि आरएसएस का इवेंट है, क्योंकि वहां पर ज्यादातर जो है बीजेपी के मुख्यमंत्री मंत्री को बुलावा दिया गया है और वहीं पे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों इसका शिलान्यास किया जाएगा, जबकि देश के किसी बड़े धर्म गुरु के हाथों ये करना चाहिए था। दोस्तों इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। दोस्तों बिहार से एक बहुत बड़ी खबर सामने में निकल करके आ रही है। जी हाँ दोस्तों, बिहार इंटरकास्ट जो है मैरिज प्रमोशन स्कीम के तहत जो है अंतर जातीय शादी करने पर बिहार सरकार देती है 2.5 लाख रुपए। जी हाँ दोस्तों, अनुदान के लिए अभी आप अप्लाई भी कर सकते हैं। दोस्तों आपको बता दें, बिहार डेक्स शादी को लेकर के समाज जो है आज भी पूरा जाति प्रथा में बंधा हुआ है, लेकिन बिहार में एक ऐसा भी योजना है जिसके तहत दलित के साथ अगर इंटरकास्ट मैरिज करते हैं तो आपको प्रोत्साहन के तहत राशि दी जाती है। जी हाँ दोस्तों, बिहार सरकार के द्वारा ये जो स्कीम लाई गई है, अगर आप इंटरकास्ट मैरिज करते हैं तो आपको 2.5 लाख रुपए का जो है प्रोत्साहन दिया जाएगा, क्योंकि इस तरह का जो स्कीम इसलिए लाया गया है क्योंकि जो शादी में है बहुत सारी अड़चनाएँ आ रही थी, बहुत सारे जो कास्ट की वजह से बहुत सारे तकलीफें आ रही थी, जिसको देखते हुए जो है इंटरकास्ट मैरिज का ये लेके आया गया है और सरकार इसमें अभी काम भी कर रही है। दोस्तों
दोस्तों यूपी बिहार समेत कई ऐसे राज्य हैं जिसमें पेट्रोल की जो है दाम में कमी आई है। जी हाँ दोस्तों आपको बता दें 12 जनवरी को एक बार फिर पेट्रोल और डीजल की कीमतों में जो है बदलाव की खबर सामने आई है, जिसके बाद तेल कंपनियों ने अपने नए दाम जारी किए हैं। वहीं पर आपको बता दें महाराष्ट्र, बिहार और यूपी समेत देश के कई ऐसे राज्यों में पेट्रोल की कीमतों की जो है गिरावट की खबर सामने आ रही है। वहीं पर आपको बता दें असम में पेट्रोल की जो कीमत है 34 पैसे कम हुए हैं और वहीं पे बिहार में 33 पैसे की गिरावट आई है। इसी तरह से गोवा में 58 पैसे की गिरावट आई है और हिमाचल प्रदेश में है 49 पैसे की गिरावट आई है। महाराष्ट्र में 56 पैसे और राजस्थान में 14 पैसे प्रति लीटर जो है तेल की गिरावट आई है। दोस्तों इस बारे में आप क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। क्या लोकसभा इलेक्शन को देखते हुए देश राज्य की सरकार जो है इस तरह का जो है आप कारनामा शुरू किया है या फिर मामला क्या है, आप अपना राय जरूर दें।